नया जो आज के अखबार में एक नई सूचना ये है कि नकल के डर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश या बहुत ज्यादा नकल माफिया सक्रिय है, उसके डर से भर्ती परीक्षा कराने से कंपनियां डर रही हैं। और इसमें बहुत सारी बातें की पेपर लीक के कारण, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को इतना मतलब नहीं होता, उन्हें अपने बिजनेस से मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब हम बोर्ड का बयान इधर पढ़ रहे हैं, आर के विश्वकर्मा जी का, हालांकि इनके बयान बिल्कुल खोखले हो गए हैं, पिछले कई साल इनके बयान खाली चले गए दिखते दिखते, तो उन्होंने ये कर रखा है कि जो एकमात्र निविदा आई थी, एकमात्र निविदा का मतलब है कि जो निविदा आई थी, जो टेंडर आया था, वो केवल एक कंपनी थी, और अब ये टेंडर दोबारा निकाल रहे हैं, जिस बार कुछ नई कंपनियां इसमें रुचि दर्शाते हुए लिखित परीक्षा का जुम्मा लेंगी। समझ रहे हैं मेरी बात? बाकी इसमें तो अभी बहुत सारी चीजें इसमें लिख रखी है कि भाई जो कंपनियां वो काम लेने से पीछे हट रही है, एक ही कंपनी ने टेंडर डाला था, अब वो भी काम करना नहीं चाहती पेपर लीक गिरोह नकल माफिया के डर से, क्योंकि फिर कंपनी के अधिकारियों पर भी, हालांकि कंपनी के अधिकारी मिलकर ही इसको लीक कराते हैं, हमेशा हर बार कंपनी के जो अधिकारी होते हैं उन्हीं की तरफ से लीक होता है, चाहे UPSSC का कोई पेपर हो, वीडियो इत्यादि का, या UPSI हो, या पहले UPTET वगैरह। तो मुख्य जो मतलब इसमें नकल माफिया का योगदान है वो कंपनी की तरफ से होता है, कंपनी में कुछ भ्रष्ट अधिकारी होते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कुछ समय के लिए पीछे हट गई। अब सिंपल सी बात है, 36,000 वैकेंसी सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे से लेकर पिछले मतलब 15-20 दिन पहले सरकार के लगभग जितने भी मुख्य व्यक्ति हैं सभी ने इसको अपने ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, सभी ने इसके बारे में लगातार सूचना दी। जैसी सूचना दी वैसी ही सूचना हमने आप लोगों तक पहुंचा दी। तो पहली बात तो ये रहेगी कि भाई मैं कोई कंपनी का अधिकारी नहीं हूं, ना ही मैं भर्ती बोर्ड का कोई सदस्य अध्यक्ष हूं कि भाई मैं जैसे चाहूंगा, जैसी सूचना आती है वैसे आपको पहुंचा देते हैं, पहली बात तो ये होगी, समझ गए। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं कि यह भर्ती कभी आएगी नहीं, 2024 में चुनाव है, इसी साल इनको भर्ती परीक्षा करानी है। हालांकि अभी यह भी नहीं कहा कि भाई एक बार ऐसे समझ लीजिए कि कोई नई कंपनियां इसमें रुचि नहीं दर्शा रही हैं, और भी कई सारी कंपनियां इसमें रुचि ले रही हैं। पेपर ऐसा होना चाहिए नकल भी, नकल बिल्कुल भी ना हो, जो इतने सालों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबको मौका मिले, सब बिल्कुल एकदम सुचितापूर्वक भर्ती हो, जिससे कि कोई भी चोर चकार भर्ती ना हो पाए। सेकंड चीज, एक जो इसमें भर्ती आगे बढ़ने से एक जो